गिर जाओगे। क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरी जो लेफ्ट ओवर दाल है रात की, वो मैं उसके परांठे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे आटा ले लिया है कटोरी, दाल एक कटोरी थी, जितना दाल उतना ही आटा लिया है मैंने। और उसमें प्याज चॉप करके डाला है, जिंजर कद्दूकस करके डाला है, आप चाहे तो हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, हरा धनिया डाला है मैंने, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब मसाले डालकर मैं गूंद लूँगी। मुझे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना पड़ा था और बहुत अच्छे से आटा एकदम सॉफ्ट गूंद के तैयार हो गया था, आप देख सकते हैं आटे को। और अब मैं इसके पराठे बना लूँगी, तिकोने वाले पराठे बनाऊँगी तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और ये नाश्ते में पराठे वाले बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे से मतलब बिल रहा है, तो आटा बहुत अच्छा लगा था बराबर बराबर के में। तो यहाँ पर मैं ना ये पर्त लगा रही हूँ, घी का लगाया मैंने, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे देसी घी यूज़ कर रही हूँ। सो देखिए पराठा मैंने तिकोना वाला बनाया है, आप चाहें तो वो लच्छा पराठा बनता है उस टाइप का भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है अगर आप गरम गरम एकदम खाएंगे ना, क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत अच्छा लगता है। और ये पराठे चाय के साथ हो, अगर आप लंच में खा रहे हो तो दही के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ये नाश्ते में ही बनते हैं। जब भी मैं दाल बनाती हूँ रात के समय में, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ताकि हमको ये वाला पराठा खाना होता है। और आगे अब देखिए तक्ष बदमाश आया है, तो वो कैसा नाटक करता हुआ है, देखो वॉकर में बैठकर नहीं चलाना है, वॉकर अलग से चलाना है उसको, देखो कैसी बदमाशी करता है, पूछो मत। अभी आप लास्ट में एक क्लिप देखेंगे, वो देखकर तो आप भी दंग रह जाएंगे, ये ऐसे कर कैसे रहा है। और देखिए वॉकर को अलग से चला रहा है, देखिए ऐसे ही चलाते हुए जाएगा, मेरे को डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए तो, लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है, बदमाशी करते ही रहता है। देखो पूरा चलाता हुआ जाएगा, बिल्कुल डर नहीं होता है इसको, गिर जाता है तो आप अगर स्माइल कर दो तो हंस के देख मतलब चुप रहेगा, अगर आपने देखा और चुप रहे तो रोने लगेगा, देखिए थक गया तो बैठ गया, तो यही होता है इसके चक्कर में पराठा जल गया। देखो मैं वही दिखा रही हूँ आपको। मैं तो अभी रो रहा था, क्यों? क्योंकि मम्मा की गोदी में जो आना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। फिर से ये बोलने का वो आ गया है टाइम, बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है और न्यूज़ देखकर तो इतना डर लगने लगता है कि कुछ हो गया तो क्या होगा। सो अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए, और कब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। तो यहाँ पे है मेरा टुकू, और टुकू आजकल रील बनाते हैं, सो रील्स मैंने बनाई कुछ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मेरे जो फॉलोअर्स हैं बहुत कम हैं, 670 समथिंग हैं, सो जब आपकी रील 1000 क्रॉस कर जाती है विद इन फ्यू मिनट्स, बहुत बड़ी खुशी होती है। और अगर आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है रील्स बनाकर, इतना माइंड फ्रेश हो जाता है
रील्स बनाकर मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग। तो यहाँ पर तक्कू हैं हमारे जो ट्राइपॉड खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल इसको ट्राइपॉड खींचने का नया ही शौक चढ़ा हुआ है। क्या बात है, से हेलो 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 कर दो, हेलो करो, हेलो ना। सो अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी सोकर उठा है तो बाल वगैरह सब खोल लिए हैं। सो अभी चोटी करके रखना पड़ता है इसको कि बाल बहुत बड़े हो गए हैं। सो लेकिन बदमाशी करने के फुल मूड में रहता है, बहुत शैतानी करता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में नेक्स्ट व्लॉग के। अभी स्टार्ट किया तो मैंने जो दाल पराठा बनाया था वो कैसा लगा आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस लाइक कर दीजिएगा वो पराठे के लिए। सो मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, बस इनको दिया है नाश्ता और विहान को दिया है, ये लोग कर लें फिर मैं भी करूँगी। सो अरे 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 देखो 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 इसको ब्लॉगिंग करनी है, तुम्हें ब्लॉगिंग करनी है, करो हेलो करो हेलो। सो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने। मैंने बनाए हैं दाल वाले जो पराठे, दो पराठे लिए हैं मैंने, थोड़ी सी नमकीन, मिर्च का अचार। ये मिर्च का अचार मैंने अपने आप घर पे डाला है। और चाय, मुझे ग्लास में चाय पीना पसंद है तो मैंने वही ले ली है। कैसा लग रहा है, आप लोग भी नाश्ता कर लो। और ये चॉकलेट है विहान के लिए, ये बच्चे घर पर होते हैं तो फिर चॉकलेट वगैरह थोड़ा लेते ही हैं। वैसे मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ बट फिर भी कभी कभार चलता है। सो तक्ष और विहान का रूटीन हो गया है, वो तक्ष को सुला दिया है, विहान अभी टीवी देख रहा है। तो मैं आ गई हूँ किचन, इधर ये इधर वाले रूम में जो कि कपड़े वगैरह सूख गए थे उनको समेटने और घरी करके रख देने के लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं लग पाता है। और तक्ष इतना बदमाश है, अगर मैं घरी कर रही होंगी तो उस टाइम में वो और ज़्यादा फैला फैला के रखता है। तो मैं घरी करूँगी और वो होता है मतलब खोल के रख देगा, तो इतनी बदमाशी करता है। तो वो सो रहा था तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते, लगे हाथ। यही होता है जब वो सो रहा होता है तो क्या कहते हैं, मैं अपना सारा काम करती हूँ, फिर वो जग जाता है तो फिर उसको देखना पड़ता है। तो इस चक्कर में मुझे रेस्ट नहीं मिलता, होता ही है ऐसा छोटे बच्चों के साथ में, पर क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। यही चीज़ तो मुझे चाहिए थी, तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ खेलना। अब यहाँ पर जो कपड़े हैं, थोड़े बहुत कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, फिर मैंने सोचा चलो लगा देती हूँ, फिर मतलब इकट्ठे हो जाते ना तो फिर धोने में दिक्कत होती है, तो वही मैंने कहा चलो एक दो बार में ही धुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मशीन लगा दे रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ इधर वाले रूम में, जो कपड़े हैं ये लॉन्ड्री बास्केट भी मैं उसी सामान के साथ लाई थी, तो जो भी गंदे कपड़े हैं वो उनको मैं निकाल रही हूँ और क्या कहते हैं लगाया होंगी। इसमें कुछ सामान वैसा भी पड़ा है तो वो मैं अभी बाद में रखूँगी। और इस कुर्ती के लिए एक फ्रेंड ने पूछा था, बट ये कुर्ती मैं जब गोवा गई थी तब वहाँ से लिया था, तो इसका कोई लिंक वगैरह नहीं है। ये टॉप टाइप है, आप जैसे जीन्स वगैरह पे पहनना चाहते हो तो भी आप पहन सकते हो, सो उस टाइप की है। बट मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं कभी कभी निकाल के पहन लेती हूँ, तो मैंने वही आज भी किया है, आज भी मैंने पहन लिया है। बहुत ढीली ढीली है तो थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन ठीक है कभी कभी पहनने के लिए तो याद रहती कि हम गोवा गए थे तब हम ये लेकर आए थे। सो लोग बहुत पागल होते हैं गोवा जाने के लिए, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा गोवा जाकर, पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं अच्छा लगा गोवा में। मेरे से कोई पूछे नेक्स्ट ट्रिप गोवा का करना चाहोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी, कुछ भी नहीं है वहाँ, म्यूज़ियम वगैरह हैं तो वो सब देखने में मज़ा नहीं आती। और आप लोग बताना आपका क्या एक्सपीरियंस है। अब ये मेरी सेकेंड टाइम झाड़ू लग रही है, मैंने कहा चलो झाड़ू भी लगा देती हूँ हाथों हाथ। और यहाँ पर मेरे कपड़े जो हैं वो चल चुके हैं, तो मैंने कहा इनको भी मैं करती चलती हूँ साथ साथ, फिर तक छूट जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं करने देता है,
अभी आप एक बदमाशी इसकी देखेंगे आगे तो वो तो आप देख कर भी आप भी दंग रह जाएंगे। मुझे इतना डर लग रहा था कि ये गिर ना जाए, लेकिन फिर मैंने कहा चलो निकालती हूँ मैं इसकी क्लिप, कैसा करता है क्या करता है। तो टचवुड गिरा तो नहीं था। सो बस यही सब है, ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, काम घर ये वो। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को, डस्ट डस्ट फील हो रहा था, तो मैं नहा कर आ गई हूँ तो अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। सो ये मॉइस्चराइज़र मैं बहुत टाइम से लगा रही हूँ, मेरी ये चौथी या पाँचवीं बॉटल है। तो ये मुझे मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा लगता है, मतलब सीरम है, फेस सीरम है ये बायोटिक का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब मैं रेस्ट करूँगी। तक्ष भी थोड़ी देर बाद ही उठ गया था, तो रेस्ट वैसा तो नहीं मिला, लेकिन हाँ बैठ कर उसके साथ टाइम स्पेंड करना वो भी काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है। सो लिप बाम लगा लिया है मैंने बस। सो फ्रेंड्स मैंने अभी शावर ले लिया। अच्छा अभी मैं तक्ष को दिखाती हूँ। क्या कर रहे हो ये? ये देखो गिर जाओगे, क्या कर रहे हो? देखो अपनी आप बैठने की कोशिश, गिर जाएगा बेटा। एक मिनट में सही कर दूँ। सो फ्रेंड्स ऐसा जैसा था कुछ मेरा आज का दिन। मैंने कोशिश की है आप सभी के साथ शेयर करने की, मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपनी इंक्लूड करने की कोशिश की है इस ब्लॉग में। धीरे धीरे ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं रेगुलर अच्छे से हो जाऊँगी। सो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना, और प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करा करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, उससे मुझे पता चलता है कि क्या मेरा व्लॉग में अच्छा है, क्या मेरे व्लॉग में मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करेंगे। और अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश कर रही हूँ, देखो किस हद तक पॉसिबल हो पाता है। और आज का जो भी रूटीन था, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा देर के लिए ध्यान ही नहीं रह रहा था मुझे कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बिहान तक का जो भी रूटीन था वो मैं इंक्लूड ही नहीं कर पाई, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और धीरे धीरे अपने पूरी जो दिनचर्या है वो आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। मैं अब ट्राई करूँगी छोटी 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 क्लिप्स मैं पूरे दिन की इंक्लूड करूँ, फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। सो कैसे लग रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग, मेरे को बताना कमेंट करके, और आप क्या क्या देखना चाहते हो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एक फ्रेंड ने बोला था आलू के पराठे बनाने को, तो कल शायद जो मैंने वेजिटेबल्स हैं मैंने ऑर्डर किए हैं जियो मार्ट से, तो कल मेरी आ जाएंगी। तो मैं परसों वाले ब्लॉग, परसों का जो ब्लॉग अतर्स उसके अगले दिन आएगा, तो उसमें आलू का पराठा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो ऐसे ही आप लोग बताते रहिए, मैं करती रहूँगी, और अपना फ्यूज़न अपना तरीके से ही मैं हर चीज़ को अपना तड़का मैं ज़रूर डालती हूँ, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।